उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इब्राहिमपट्टी स्थित जननायक चंद्रशेखर कैंसर इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी कक्षों में जाकर मरीजों से बातचीत की और उन्हें दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉ आर के धीमन और जननायक चंद्रशेखर कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉ संजय के बीच एक अनुबंध पर भी समझौता हुआ। इंस्टीट्यूट पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है, जिसमें 5 महीने के अंदर 11,000 लोगों का इलाज हो चुका है, साथ ही कैंसर पीड़ितों का भी इलाज चल रहा है। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत 2047 तक विकसित देशों में शामिल हो जाए। उन्होंने कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो जनपद और गांव का विकास होगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने 20,000 किलोलीटर के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर ने बलिया का नाम पूरे विश्व में पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सहयोग से पूर्वांचल का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल का निर्माण हो जाने से न केवल बलिया जनपद बल्कि जनपद के आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जननायक कैंसर इंस्टीट्यूट मिनी पीजीआई के रूप में विकसित होगा। कितना बड़ा सपना एक माननीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री का सपना था, आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये अस्पताल केवल सामान्य अस्पताल नहीं बल्कि अस्पताल और कैंसर के एक इंस्टीट्यूट भी है। इस पूरे इलाके से किसी की जान कैंसर की वजह से न जाने पाए, इसके लिए आज जो हमारा स्टेट का कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर डॉक्टर आर के धीमन और इस अस्पताल के जो डायरेक्टर है डॉक्टर संजय सिंह उनके बीच में अनबन हुआ। उस अनबन में इस बात की व्यवस्था है कि हमारा जो कैंसर हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, वो इस अस्पताल को मदद करेंगे हर प्रकार से कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस प्रकार की डायग्नोस्टिक होनी चाहिए, किस प्रकार का इलाज होना चाहिए और यहाँ के जो जो पेशेंट्स होंगे उनका जो रेफरेंस किया जाएगा तो उसका वहाँ पर ध्यान रखें।